ये देखिए, ये पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर मामला है, कल हमने बता दिया है, कल हमने दिखाया है दैट दैट जेंटलमैन हिमसेल्फ इज यू नो इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग। सो दैट सीएजी रिपोर्ट इज ए वर्थलेस रिपोर्ट। इनफैक्ट आई वुड टर्म इट एज ए चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट। दैट्स हाउ आई वुड टर्म इट। इट इज नरेंद्र मोदीज रिपोर्ट रिटन फॉर द चौकीदार ऑन बिहाफ ऑफ द चौकीदार फॉर द चौकीदार बाय द चौकीदार। सो आई वुड कॉल इट, आई वुडंट कॉल इट द कंप्टर एंड ऑडिटर जनरल, आई कॉल इट द चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट। मतलब सॉरी रिपीट कीजिए, प्राइस नहीं। भैया देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक के बाद एक इसकी सच्चाई निकल रही है। पहले प्राइस की बात हुई, प्राइस की सच्चाई निकली, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम, होलैंड जी आते हैं, उनका बयान आता है कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया। सच्चाई राफेल की सामने देश के आस्ते 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 आ रही है। और मैंने कह दिया है देर इज गोइंग टू बी नो डाउट, नो डाउट इन एनीबडीज माइंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए करप्ट मैन एंड उन्होंने अनिल अंबानी की मदद की। मतलब इससे इससे और क्लियर क्या हो सकता है भाई? अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं डिफेंस, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, मुझे क्लियरली मालूम है। मैं पढ़ लेता हूं फिर से। मेंशनड एमओयू इन प्रेपरेशन एंड द इंटेंशन टू साइन ड्यूरिंग द पीएम विजिट, नाइदर फॉरेन सेक्रेटरी नॉर डिफेंस मिनिस्टर नोज, ओनली प्राइम मिनिस्टर नोज, प्राइम मिनिस्टर साइंड। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है, कट है। सुनील हियर, आई विल कम टू यू। Well, now, earlier, there was one axis of corruption, second axis of procedural inconsistencies, procedural problems done by the Prime Minister. Now there's a third one. And frankly, this is the most serious. This is literally handing over a defense secret. This is it. This business that a MOU is in preparation, this is a defense secret. And the Prime Minister has compromised national security. He's, as I said, he's done what a spy does. He has given information, defense information, to a person who's not supposed to have it. So this is clear cut. Now there are three axes. One axis, the corruption axis. Second axis, the procedural axis. And third axis, the Official Secret Act, defense, security, national security axis. So all these three are going to be investigated. I'll come to you. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कोट कर दी, वो निकली नहीं है, उसको वहां कोट कर दिया है। तो फ्रेंकली the Supreme Court judgment is open to question now, very clearly. And I mean, with this, हमने बोला हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम देखिए जनता को इंफॉर्मेशन देने का है, हमारा काम सरकार पर दबाव डालने का, हम अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है। जनता को निर्णय लेना है कि अनिल अंबानी, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अनिल अंबानी को मालूम है, रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, इनको कैसे पता लग गया? एक ही आदमी बता सकता है, नरेंद्र मोदी बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। वी हैव टू गो इन टर्न्स। मैंने उनसे बोला है, मैंने प्रधानमंत्री से बोला है, आप मेरे ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन करना है करो,
आप हर ऑपोजिशन लीडर पे, हर आदमी पे, ऑपोजिशन के आदमी पर, हर आदमी पे आप जितना इंक्वायरी करनी है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कुछ किया नहीं, कोई इशू नहीं है, करो जितना करना है। मगर आप राफेल मामले पे भी तो कर दो, आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? अगर आप राफेल मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो करा दो इन्वेस्टिगेशन, जेपीसी बैठा दो, क्यों घबराए आप? एक ही कारण हो सकता है कि आप उसमें शामिल है, क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो आप कहते हां भैया इन्वेस्टिगेशन होगा, डालो सबको जेल में। तो हमारे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर लो, जितनी बार करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर राफेल पे करो। रंजीत, नो आई विल कम टू यू। रंजीत, ओके, आई एम श्योर राजनाथ सिंह इज टॉकिंग अबाउट, यू नो, इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ आल्सो इन दैट in that conversation. Look, Rajnath Singh is welcome to have an opinion, you know, as everybody can have an opinion. But the fact of the matter is, you please ask Rajnath Singh why. Rajnath Singh se aap puchiye ki ye matlab Anil Ambani ko is MOU ke bare mein kaise malum? Agar PM itne pure hain, itne saaf hain, to ye Anil Ambani ko matlab is defense contract ke bare mein 10 din pehle kaise pata lag raha hai? Defense minister ne nahi bataya. Defense minister ne to clear kar diya ki bhaiya, aur wo matlab आपने वो डिफेंस की फाइलें देखी हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया मैं नहीं जानता। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग, और अब इनका चीफ नेगोशिएटर बाहर आ गया, चीफ नेगोशिएटर अनिल अंबानी सिटिंग इन फ्रांस नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीएम। आई मीन कम ऑन, सो पता नहीं मतलब what slave of the dynasty, huh? That is, you people have no respect for any institution and now you're questioning the CAG. Second is that your mark at Bandhan means you'll have a new prime minister every single day should you be put to power. What's your question? Palvi, those are not questions, those are statements. Those are statements. But what's the accusation? No, we don't say we don't respect the CAG. We say that there is so much evidence in Rafael now, including this email where Mr. Anil Ambani is negotiating on behalf of Mr. Narendra Modi, that this stuff needs to be taken into account in the CAG report, and it's obviously not being taken into account. And we're also saying that the gentleman who's making the CAG report is party to these decisions. He is part of these decisions. So he cannot possibly give a proper report. We are not questioning the institution of the CAG. Okay, so the questions here are very simple, and it's black and white, and you know it. Why is Mr. Anil Ambani sitting in the French defense minister's office and telling the French defense minister that a MOU is in preparation with the intention to sign during the PM's visit? That's the main crux of it. When the defense minister doesn't know, when the foreign secretary doesn't know, and nobody in the defense establishment knows, it's simple. Hindustan ke रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, परिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएल उनमें शामिल है, एचएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है, और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए।
दिस इज ए, ये तो पहले ये भ्रष्टाचार का मामला था, ये प्रोसीजरल मामला था, अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो गया है. दिस इज नाउ ट्रीजन, नथिंग लेस. मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट स्पाइस डू. ही इज इंफॉर्मिंग समबडी ऑफ अ डिफेंस मैटर. ही इज अंडर ओथ. ही इज नॉट लाइक यू और यू. ही इज अंडर ओथ टू प्रोटेक्ट दीज सीक्रेट्स एंड ही इज नाउ गिवन दिस सीक्रेट टू मिस्टर अनिल अंबानी, हु नोज दैट द बिगेस्ट डिफेंस डील इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू हिम 10 days बिफोर. The defense minister knows, foreign secretary knows, the entire defense establishment knows. This itself is criminal. This itself will put the prime minister in jail. Mr. Jha, I'll come to you.